आप सभी का इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हो कि रेल बोर्ड के द्वारा किसी भी तरीके की अपडेट या सूचना कर्मचारियों के लिए आती है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। दोस्तों, इसी तरह से 3 जुलाई 2023 को रेल बोर्ड ने सभी जनरल मैनेजर और ऑल इंडियन रेलवे प्रोडक्ट यूनिट को ये लेटर जारी किया गया है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों, फाइल नंबर आप ये देख सकते हो कि PC/7/2023 /HRMS/11। तो दोस्तों, इसमें ये एक ही सब्जेक्ट में क्या दे रखा है, इसमें सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट में ये दे रखा है अपडेटेशन ऑफ लीव बैलेंस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, मतलब जो रेलवे कर्मचारियों की जो लीव बैलेंस है उसको अपडेट कर लिए रेल बोर्ड ने ये जारी किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी कर्मचारियों के लिए अपडेट है। तो क्या अपडेट है हम देख सकते हैं। दोस्तों, नीचे लिखा है, आप पढ़ सकते हो नीचे कि दिस इज टू इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ लीव मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज बीन कंप्लीटेड एंड शेड्यूल टू बी लॉन्च इन द मंथ ऑफ जुलाई। मतलब HRMS जो लीव बैलेंस है, जो कर्मचारियों का लीव बैलेंस है, वो HRMS पर मॉड्यूल अपडेट कर रहा है, मतलब लॉन्च कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। कहने का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए जो लीव जो एक साल में दो बार मिलती है, जो LAP और LHAP, वो जुलाई के पहले और जनवरी के पहले में तो ये लॉन्च होगी। तो ये आपको अब पूरी अपडेट के रूप में आपको HRMS पे जो लॉन्च हो रहा है उसमें अपडेट में जो मॉड्यूल आएगा उसमें अपडेट किया जा रहा है ये। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी सूचना है कि आप सभी कर्मचारियों को कई ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, सर्विस सीट में देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल HRMS खोलकर एक मिनट में पता लगा सकते हो कि मेरी कितनी LAP है, कितनी LHAP है, और कितनी मैंने इस महीने में छुट्टी ली है, कितनी कटी है और कितनी मेरी जुड़ी है। तो आप उस छुट्टी का पूरा विवरण HRMS पर जाकर देख सकते हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों, आगे ये भी लिखा है कि इसी महीने जुलाई में ही HRMS लॉन्च करने वाला है मॉड्यूल HRMS पर। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है जो HRMS की आईडी है। तो मैंने पहले भी बताया था कि HRMS पर आपको पहले किसी भी तरह का रिक्वेस्ट फॉर्म भरने के लिए सभी तरह के ऑप्शन उसमें दे दिए। अब आपको हार्ड वर्क कॉपी में, मतलब कागज़ पर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, सभी HRMS पर ऑनलाइन आप देख सकते हो। उसी तरह जो आपकी छुट्टियां हैं, जो आपका लीव है वो कितनी है, वो पूरा बैलेंस जो आप देख सकते हो। तो ये दोस्तों, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये सीधा साथ जुलाई 2023 में ही लॉन्च होने वाला है HRMS पर। ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो कर्मचारी अपने स्वयं के लीव अपने अकाउंट HRMS पर देख सकते हैं, कितनी मेरी जुड़ी है, कितनी मैंने छुट्टी ली है, पूरी अपडेट इसमें देगी। तो रेल बोर्ड ने सभी जनरल मैनेजर और ऑल इंडिया के रेलवे के प्रोडक्ट यूनिट, मतलब कारखाना को ये सूचना दी है कि आप सभी जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, जो क्लर्क है ऑफिस में बैठते हैं, जो कर्मचारियों की छुट्टियां अपडेट करते हैं, उन लोगों को यही कहना है कि वो अब पहले जुलाई के सप्ते में अपडेट कर लीजिए और HRMS पे जो ये मॉड्यूल लॉन्च होगा उसमें आपको डालना है और ये लॉन्च जल्द होने वाला है। तो ये सूचना रेल बोर्ड ने सभी जनरल मैनेजर को और ऑल इंडिया रेलवे की जो प्रोडक्ट यूनिट है, जो कारखाना है, वर्कशॉप है, उन लोगों उसको ये लेटर जारी किया गया है रेल बोर्ड ने। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने है कि आप छुट्टी के लिए आप ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, फ़ोन करके पूछने की कोई जरूरत नहीं, आप स्वयं अपने HRMS पर अपडेट दे सकते हो छुट्टी का, जुलाई में कितनी बड़ी, जनवरी में कितनी बड़ी, वो भी जैसे आप LHAP भी देख सकते हो, LAP भी देख सकते हो अपना HRMS के अकाउंट पर। दोस्तों, जो रेल बोर्ड के द्वारा या रेलवे के द्वारा किसी भी तरह की कोई कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट होती है तो मैं आप लोगों के लिए बारी बारी से वीडियो बनाता रहता हूँ, उसके माध्यम से आप तक सूचना पहुँचाता हूँ। दोस्तों आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।